हेलो क्लास के जी फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने इंग्लिश के नोट्स का पेज नंबर 4, 5 एंड 6 ले लीजिए। इसके पहले जैसे कि आपको पता है, हमने आपके अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें आपके कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल लेटर्स के जो अल्फ़ाबेट्स थे, हमने वो दोनों कम्प्लीट किए थे। पेज नंबर 4 पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर शॉर्ट साउंड ऑफ ए, यानी कि आपके हम अब वर्ड्स रीडिंग, यानी कि आपकी जो इंग्लिश रीडिंग है, हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके शॉर्ट साउंड ऑफ ए से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ए साउंड से आपके स्टार्ट करने के लिए आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं। इसके पहले भी लास्ट पेज पर हमने आपको शॉर्ट वर्ड जैसे कि ATAT, OF, OFF, ON, ON, ये सारे वर्ड्स हमने रीड करने के लिए, राइट करने की प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए थे। अगर आपने वो इजीली किया हुआ है तो आपको ये करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके पहले आप अगर पेरेंट्स ध्यान दें, अगर बच्चों को अभी भी अल्फ़ाबेट्स अच्छे तरीके से लर्न नहीं है, तो आप उन्हें कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स में A to Z आपके अल्फ़ाबेट्स आपको उन्हें लर्न करवा देने हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर आपके साउंड शॉर्ट साउंड ऑफ ए आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट है आपका ATAT, BAT बैट, BAT बैट, तो आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं, एट बैट, बैट, इस तरीके से आपको इसे रीड करना है। साथ ही में पेरेंट्स ध्यान रखें, आपको एक एक अल्फ़ाबेट अपने बच्चों से पूछना है, उन्हीं से इसे लर्न करवाना है। सेकंड आपको यहाँ पर दिया हुआ है ANN, VAN वैन, VAN वैन, N वैन, वैन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ALL, ऑल, BALL बॉल, हमारा यहाँ पर सेंटेंस होगा अ बॉल। सेकंड है आपका एट, HAT हैट, अ HAT हैट। नेक्स्ट है आपका ANN, CAN कैन, अ कैन, APAP, LAP लैप, अ लैप। नेक्स्ट रो में आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस है AMM, JAM जैम, अ जैम। नेक्स्ट है आपके N, PAN पेन, अ पेन, ATAT, RAT रैट, अ रैट, ATAT, MAT मैट, अ मैट। इस तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स अपने बच्चों को फिंगर टैप कराते हुए एक एक अल्फ़ाबेट आपको रीड करवा, A to Z, ABCD तो उन्हें आती ही है, तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट्स उन्हें लिखे हुए हैं, ये अल्फ़ाबेट्स आप उन्हें ही रीड करने दीजिए, कोशिश करने दीजिए कि वो उस वर्ड को क्या रीड करते हैं। उसके बाद आप उन्हें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताकर, उनकी हेल्प कर उन्हें ये राइट कर बता, रीड कर बता सकते हैं। इसी के साथ में आप एक कॉपी में राइट करवा कर भी उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्योंकि कॉपी में जब वो राइट करते हुए रीड करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे ANN, VAN, वैन, इस तरीके से आप उनकी एक कॉपी में इन सारे वर्ड्स को राइट करा कर भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर आपको बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स के थ्रू आपको यहाँ पर ए साउंड वर्ड्स रीड करना, बच्चों को हेल्प रीड करना सिखाना है। जैसे BAD बैड, MAD मैड, PAD पैड, LAD लैड, DAD डैड, SAD सैड, NHAD हैड। यहाँ पर आपको ये सारे वर्ड्स राइट रीड करवाने हैं और साथ ही में एक कॉपी में राइट करवाने भी हैं। नेक्स्ट है आपके सेकंड लाइन में आपको AN वर्ड्स दिए हुए हैं, जो हैं आपके CAN कैन, FAN फैन, MAN मैन, PAN पेन, BAN बेन, VAN वैन एंड RAN रैन। ये सारे वर्ड्स आपको उन्हें कॉपी में भी राइट करवाने हैं, इसके और इन आपको बार बार नोट्स में से भी रीडिंग करवा कर उनकी प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट है आपके DAM डैम,
JAM jam, HAM ham, and RAM ram, BAG bag, RAG rag, TAG tag, and WAG wag. नेक्स्ट है आपके TAP tap, LAP lap, MAP map, CAP cap, PAP pap, NAP nap, and RAP rap. आपके कुछ और वर्ड्स हैं CAT cat, BAT bat, RAT rat, BALL ball, HALL hall, and TALL tall. ये सारे वर्ड्स आपको वन बाय वन एक एक अल्फ़ाबेट अपने बच्चों से रीड करवा कर आपको इन्हें प्रोनाउंस की प्रैक्टिस उनकी करवानी है. साथ ही में ये सारे वर्ड्स आप जब उन्हें रीड करना आ जाएँ तो आप उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं. आप उन्हें ये सिखाइए कि ये जो स्पेलिंग है वो उसे मन में रीड करे और उसका जो फुल प्रोनाउंस है उसे वो ज़ोर से बोले. जैसे BAG बैग, रैग, टैग, वैग. इस तरीके से आप उनकी प्रैक्टिस करवाइए. उसके बाद आप एक कॉपी में उनकी राइट करवा कर भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं. नेक्स्ट नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वोवेल ए टू कंप्लीट द वर्ड्स. आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें आपको वोवेल साउंड ए राइट करते हुए इसे कंप्लीट करना है. जैसे कि आपका यहाँ पर जे एम की स्पेलिंग दी हुई थी, बीच में आपने ए लिखकर जे एम जैम कंप्लीट किया है. एज इट इज़ नेक्स्ट बॉल के लिए बी डबल एल दिया हुआ है, आपको यहाँ पर बीच में ए राइट कर कर कंप्लीट करना है जो कि आपका वर्ड होगा बी ए डबल एल बॉल. एफ एन के बीच में जब आप ए राइट करेंगे तो आपका वर्ड हो जाएगा एफ एन फैन. इस तरीके से यहाँ पर ये ब्लैंक बॉक्सेस में आपको अपने बच्चों से स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट का ए राइट करवाना है. तो यहाँ पर आपकी स्पेलिंग होगी एफ एन फैन, एम ए टी मैट, पी एन पेन, एन एच ए टी हैट. इसी के साथ में आपका ये नेक्स्ट पेज कंप्लीट होता है. इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज यहाँ पर दिया हुआ है प्रैक्टिस ऑफ साउंड ए, जिस वो पेज नंबर 6 पर आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर आपको ए साउंड वर्ड की प्रैक्टिस करवानी है. आप यहाँ पर उन्हें रीडिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं अ वैन, अ बिग वैन, अ बी आई जी बिग वैन, हैज़ अ व्हील. नेक्स्ट है आपका अ हैट, अ बिग हैट, आई टी इट, आई एस इज, एम वाई माई, एच ए टी हैट, इट इज माई हैट. नेक्स्ट है आपका अ रैट, अ एफ ए टी फैट, आर ए टी रैट, अ फैट रैट. और नेक्स्ट है आपका अ फैट रैट इन अ होल. नेक्स्ट है आपका अ जैम, अ लेडी लैड हैज अ जैम, इट इज हिज जैम. इस तरीके से आपके नेक्स्ट पेज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. यहाँ पर आपको ए साउंड वर्ड्स जो दिए हुए हैं, आपको सारे शॉर्ट्स वर्ड दिए हुए हैं, आपको ये सारे शॉर्ट साउंड वर्ड्स अपने बच्चों को रीडिंग राइटिंग दोनों प्रैक्टिस करवानी है. और ध्यान रखिए आप जितना ज़्यादा उनसे रीड करवाएंगे और जितनी ज़्यादा रीडिंग प्रैक्टिस वो लोग करेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा और उनकी इंग्लिश वोकैबुलरी जो अब स्टार्ट होने वाली है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी.